हाँ तो जी, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। अभी बात करने वाले जो कैप्टन मिलर है उसका जो कलेक्शन है वो कितना हुआ। देखो पहले भी यही मतलब मैंने बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, यही होता है जब कई सारी मूवियाँ जो कि सारी की सारी अच्छी हो और वो एक ही दिन और एक ही टाइम पर एक दूसरे के आमने सामने रिलीज हो जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। 12 जनवरी को एक साथ कई सारी मूवियाँ रिलीज हुई, जैसे कि गंटूर करम है जो कि हिंदी में नहीं आई थी, उसके बाद में बात करें अयालान, उसके बाद में कैप्टन मिलर, उसके बाद में अपनी एक मूवी आई थी हनुमान, उसके बाद में एक मूवी आई थी मैरी क्रिसमस। तो ये सारी मूवियाँ जो हैं वो एक ही टाइम पर रिलीज हुई और जिसके चलते इन सारी मूवियाँ का जो है वो हुआ क्लैश। अभी क्या है, उस क्लैश का इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि मैं आपको क्या बताऊँ कितना फ़र्क पड़ा है। सच बता रहा हूँ मैं, पहले दिन की जो कलेक्शन थी वो लगभग लगभग 8 से 12 करोड़ के आसपास थी, उसके जो दूसरे दिन की कलेक्शन थी उस कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। 6 से 12 करोड़ के आसपास की जो कलेक्शन है वो हमको देखने को मिली। अगर यहाँ पर हम बात करें टोटल 2 दिन के बारे में यानी 12 और 13 तारीख के बारे में, तो ये जो कलेक्शन थी टोटल कुल मिलाकर ऐसी थी कि आप 18 से 25 करोड़ के आसपास का जो एक आंकड़ा है वो आप मोटा मोटी कह सकते हो। हालांकि ये ऑफिशियली आंकड़े नहीं है, लेकिन जो एक मोटा मोटी जो एक आइडिया और एक अनुमान होता है टिकट्स जो सेलिंग होती है उसके हिसाब से, या फिर जो एक ऑडियंस पोल होता है उसके हिसाब से, मतलब मोटा मोटी जो एक होता है उसके हिसाब से अगर बात करें तो 18 से 25 करोड़ का जो आंकड़ा है वो 2 दिन के अंदर इस मूवी ने क्रॉस किया है। मूवी का जो बजट है वो 50 से 70 करोड़ के आसपास का है। मूवी के अंदर हमको धनुष और अपने जो शिवा राजकुमार सर हैं वो देखने को मिले हैं। जो कहानी है मूवी की वो 1930 के जो ऑरा है उसको दर्शाती है। धनुष का जो करेक्टर है यहाँ पर वो एक विद्रोही कैप्टन का है जो कि पहले किसी और मतलब एक फौज में था या सेना में था, उसके बाद में वो एक विद्रोह करता है और जो चीज़ें उसको गलत लगती हैं उसके खिलाफ़ वो खड़ा होता है, फिर वो कांड करता है, उन लोगों को पेलना स्टार्ट करता है। VFX और ज़्यादा बेटर हो सकता था, एक्शन सिक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते थे। जो इसका ट्रेलर आया था या फिर टीजर आया था उसको देखने के बाद जो लोगों की उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन ये मूवी कहीं ना कहीं उन सारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती है और जो लोगों का मन है और जो दिल है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है, जिसका कारण ये हुआ है कि जो इसकी कलेक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। अगर गंटूर करम हिंदी में और रिलीज हो जाती तो मेरे को लगता है कि इसका जो एक कलेक्शन है वो और ज़्यादा डाउन जाता। अभी जो है मे बी, मेरे को लगता है जो हनुमान है वो एक बड़े टाइम तक चलेगी मूवी थिएटर में। अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।